मुंबई का जेल में डाल देंगे। अरे बाबा साहब के सम्मान के लिए प्रतिमा वही लगनी चाहिए, उसके लिए हम जेल में जा रहे हैं। पार्लियामेंट का नाम अम्बेडकर पार्लियामेंट हो और जो मूर्ति उन्होंने हटाई है चोरी से, उस मूर्ति को पुनः स्थापित कराना होगा। साथियों ये आज बहुत जोर शोर से यहाँ पे हंगामा है, पुलिस ने भी बदतमीजी की कुछ लोगों के साथ, पुलिस तो बदतमीजी करती है, ये तो बदतमीजी पे रहेगी क्योंकि विरोधी सरकारों की पुलिस है ये हमारी सरकारों की पुलिस नहीं है। पार्लियामेंट से हटाई गई है और उसी उपलक्ष में हम सभी समाज लोगों ने सभी ने आंदोलन किया, एकजुट होकर सभी लोग आंदोलन किया, पर हमें ये अरेस्ट करने जा रहे हैं, हमें गाड़ी में बिठा दिया, हमें जेल में जा रहे हैं, हमें कहीं जेल में डाल देंगे। अरे बाबा साहब के सम्मान के लिए प्रतिमा वही लगनी चाहिए, उसके लिए हम जेल में जा रहे हैं। पूरी नहीं तो क्या करेंगे? पूरी नहीं तो हो जाएगी, मांगे पूरी हो जाएंगी, जब तक नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही। जबरदस्ती अरेस्ट करा गया है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, हम वॉलंटियरली अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगातार जो है डिटेन यहाँ पर किया जा रहा था, वो बस जो है यहाँ से रवाना कर दी गई है। अब यहाँ से जो है बहुजन समाज के साथियों को बस में ले जाया जा रहा है, इसके बाद एक और बस यहाँ पर लाई गई है, पुलिस और बल जो है भारी पुलिस बल तैनात है, उसके बाद अब दूसरी बस यहाँ पर आई है और इसमें भी लोगों को जो डिटेन किया जाएगा, उसके बाद इनको जो है मंदिर में आ गया किसी और थाने में यहाँ से लेके जाया जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी ये जो हंगामा जो अभी बड़ा था बैरिकेटिंग को तोड़ने के बाद लोगों को डिटेन करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। अफरा तफरी थोड़ी देखने को हमें मिली है, तमाम जो लोग बहुजन समाज के थे उन्होंने बैरिकेटिंग को तो तोड़ दिया लेकिन वो आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए और उनको अब यहाँ से डिटेन करके आगे की कार्रवाई के लिए ले जाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि नई पार्लियामेंट का नाम अम्बेडकर पार्लियामेंट हो और जो मूर्ति उन्होंने हटाई है चोरी से, उस मूर्ति को पुनः स्थापित कराना होगा। साथियों ये आज बहुत जोर शोर से यहाँ पे हंगामा है, पुलिस ने भी बदतमीजी की कुछ लोगों के साथ, पुलिस तो बदतमीजी करती है, ये तो बदतमीजी पे रहेगी क्योंकि विरोधी सरकारों की पुलिस है ये हमारी सरकारों की पुलिस नहीं है, इसलिए इस पुलिस को भी जवाब दिया जाएगा और विरोधी सरकार को भी जवाब दिया जाएगा, ये है मेरा हमारा कहना मानना। आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी होगी, पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा, पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था इनको हमने दिन में तारे दिखा दिए थे और फिर दिन में तारे दिखाएंगे इनको। कोई बात नहीं, डिटेन करेंगे तो कितने लोगों को डिटेन करेंगे, इस देश के 85% लोग हैं। संघर्ष हुआ, हमारी भाई और बच्चे जो है जेल में पैदा हुए, हमारी माँ बहन है, ये प्रतिमा जो लगी हुई है इसके लिए इनको इतिहास मालूम है कुछ, और आज उठा के कहीं भी रख दिया, इनका बाप का है क्या ये हमारे बाप का, हमारा बाप था ये, और आखिरी श्वास तक लड़ेंगे अपने बाप के लिए, खून देंगे, बच्चों की भी बलि देंगे, क्योंकि बच्चे भी आज इन्हीं की वजह से, हम इनकी वजह से, हमारे बच्चे हमारी वजह से हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम आखिरी श्वास तक लड़ेंगे। गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट कोई आएगी जाएगी, गवर्नमेंट कोई UPSC से आई है।